हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? तो क्वेश्चन में आपके में दे रखा है कि आपके पास ट्रैफिक लाइट्स हैं कहीं पर तीन, जो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर चेंज होती हैं। तो अगर वो 7 बजे एक साथ चेंज हुई हैं तो फिर कितने बजे एक साथ चेंज होंगी, यानी हमें यहाँ पर इसके लिए इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे, हमारे पास तीन नंबर हैं 48, 72 एंड 108। एट विच टाइम लाइट विल चेंज अगेन, तो चलिए एलसीएम देख लेते हैं। वी हैव थ्री नंबर्स 48, 72 एंड 108। सो द फर्स्ट वी डिवाइड इट बाय टू, द लोएस्ट प्राइम नंबर। सो 48 डिवाइड बाई 24 टाइम्स, 72 36 टाइम्स एंड 108 54 टाइम्स। अगेन इट इज डिवाइड बाई टू, सो वी डिवाइड इट बाई टू, 24 डिवाइडेड बाई टू 12 टाइम्स, 36 18 टाइम्स एंड 54 27 टाइम्स। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 6, 9, 27। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज हम लोग नीचे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 9, 27। अभी भी कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगला प्राइम नंबर है आपका 3, तो फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। तो आपको इसका एलसीएम मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हम लोग यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स। व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट वी गेट 432। अब 432 सेकंड्स हैं ये, तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे तो 7 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हुआ और आपके 12 सेकंड्स बचे। इसका मतलब अगर लाइट्स 7 बजे एक साथ जली हैं तो उसके 7 मिनट 12 सेकंड बाद फिर से एक साथ चेंज होंगी या एक साथ जलेंगी। तो लाइट विल चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 मिनट 12 सेकंड पास्ट 7 एएम। तो ये अपना आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7। थ्री टैंकर्स कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द थ्री कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। आपके पास कोई तीन टैंकर हैं, उसको आपको कंटेनर से मेजर करना है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे। आपको इसमें एचसीएफ फाइंड करना है और वैसे भी ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है। तो यहाँ पर देखिए हमें तीनों नंबर दे रखे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया 403 का, 434 का एंड 465 का। तो 403 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 इंटू 31, 434 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2
टू इंटू सेवन इंटू 31 एंड 465 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 इंटू 31, तो इसमें कॉमन नंबर आपका हुआ 31, तो 31 ही इसका क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF. सो द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर रिक्वायर्ड इज 31 लीटर, यानी आपको 31 लीटर का जो कंटेनर होगा उसको यूज करके आप इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेंट मेजर बाय 6, 15 एंड 18, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. अब देखो लीस्ट नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर, आपको एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको अगर हम 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे हर एक केस में. तो इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा तीनों नंबर्स का और उसमें 5 रिमाइंडर बचना है, 5 रिमाइंडर बचना है, यानी जो एलसीएम आएगा उसमें हम लोग कितना ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 5, 15 एंड 18, सो वी डिवाइडेड बाय 2. तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 15 एंड 9. अभी कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, 1, 5, 3. 3 से 3 वन टाइम डिवाइड होगा, 15 फाइव टाइम्स डिवाइड होगा, 9 3 टाइम्स डिवाइड होगा, अगेन डिवाइडेड बाय 3, तो 1, 5, 1. अभी आपका बचा है केवल 5, तो 5 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो 1, 1 एंड 1. सो दिस इज द एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. मल्टीप्लाई इट, जब हम लोग मल्टीप्लाई किए इसको तो आपको जो एलसीएम मिला वो मिला 90, यानी 90 ऐसा नंबर है. बट अभी हमको क्या चाहिए, 90 ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट सबसे छोटा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 6, 15 और 18 से. लेकिन 5 आपको रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो 5 रिमाइंडर लेने के लिए टू गेट अ रिमाइंडर 5 हम लोग इसमें क्या ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 95. तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है, 95. अगला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32. आपका एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 4 डिजिट का भी हो, 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर जो 18, 24 और 32 से क्या हो, डिवाइड हो. अब देखो नंबर डिवाइड होना चाहिए, यानी वो नंबर इन तीनों नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा. तो हम लोगों को यहाँ पर एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 4 डिजिट का हो और वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो और जो 18, 24 और 32 से क्या हो, डिवाइड हो. तो इसके लिए सबसे पहले हम तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम. तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, 18, 24 एंड 32 का हम लोग एलसीएम निकाले. तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास रहता है 2, तो 2 से डिवाइड किए, 9, 12, 16. अगेन 2 से डिवाइड किए, 9, 6, 8. अगेन 2 से डिवाइड किए, 9, 3, 4. अगेन 2 से डिवाइड किए, 9, 3, 2. जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देते जाते हैं. फिर 3 से डिवाइड किए तो 3, 1, 1. फिर 3 से डिवाइड किए तो 1, 1, 1. सो वी हैव द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3. सो द एलसीएम इज 288. 288 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाय 18, 24 एंड 32. बट दिस नंबर इज ऑफ 3 डिजिट, बट वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ऑफ 4 डिजिट. सो वी फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 288. तो 288 के हम लोग मल्टीपल्स फाइंड करेंगे और जो पहला मल्टीपल हमें मिलेगा
फोर डिजिट का वही हमारा आंसर होगा। तो मल्टीपल के लिए पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 288 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल निकालेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जब 288 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को मिला 864। जब 4 से मल्टीप्लाई किया देन वी है 1152। सो द थर्ड मल्टीपल ऑफ 288 इज ऑफ 3 डिजिट, बट द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 288 इज ऑफ द 4 डिजिट। सो द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 288 दैट इज 1152 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज वेल बाई 18, 24, and 32। सो 1152 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5, 15 and 4। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड LCMs इफ LCM इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो हम हर एक नंबर का यहाँ पर LCM फाइंड करेंगे। तो LCM ऑफ 9 and 4, 9 और 4 का हम लोगों ने LCM निकाला यहाँ से, तो 2 से डिवाइड किया 9, 2, अगेन 2 से 9, 1, 3 से 3, 1 and 1, 1। सो द LCM ऑफ 9 and 4 इज 2 into 2 into 3 into 3 विच इज 36। हम लोग देखें 36 जो है आपका 9 और 4 का मल्टीप्लाई भी है। तो LCM ऑफ 9 and 4 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 9 and 4, दोनों का जो LCM है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। नाउ नेक्स्ट नंबर 12 and 5, तो LCM ऑफ 12 and 5, तो सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 and 5 मिला हम लोगों को, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 and 5, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 and 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 and 1। तो LCM ऑफ 12 and 5 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 5 विच इज 60। अब आपका जो 60 मिला तो 12 and 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है आपका 60 है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, LCM ऑफ 12 and 5 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 12 and 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका 6 and 5, अगेन LCM ऑफ 6 and 5। तो LCM ऑफ 6 and 5, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 थ्री टाइम डिवाइड हुआ 5 एज इट इज, फिर 3 से डिवाइड किए तो 1 and 5, फिर 5 से डिवाइड किए तो 1 and 1। तो LCM ऑफ 2, 3 and LCM ऑफ 6 and 5 इक्वल टू 2 into 3 into 5 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर भी आपका LCM ऑफ 6 and 5 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 6 and 5। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव 15 and 4, सो वी फाइंड LCM ऑफ 15 and 4। सो 2 से डिवाइड करेंगे जब हम लोग तो हमें मिला 15 and 2, अगेन 2 से डिवाइड किए तो 15 and 1, 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड किया तो 5 and 1, फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 and 1। सो द LCM ऑफ 15 and 4 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 5 विच इज 60। अब 60 जो LCM है दोनों का वो कितना है आपका 60, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी आपका कितना है 60। दस द LCM ऑफ 15 and 5 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 15 and 5। हियर वी ऑब्जर्व दैट इन ईच केस द LCM ऑफ दीज नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। वाई हियर इन ऑल द क्वेश्चन ऑफ गिवन अबव
the LCM of numbers comes to be equals to the product. Actually, when two numbers are co-prime, their LCM is equals to their products. अगर आपके दो कोई नंबर हैं जो co-prime नंबर हैं, तो उनका LCM उनके product के equal होता है. यहाँ पर हम लोग देखें, तो आपका 15 एंड 4 दोनों नंबर कैसे हैं? Co-prime है. जैसे 15 का हम लोग prime factorization करेंगे तो कितना होगा? 3 into 5. और 4 का कितना होगा? 2 into 2. तो इसमें कुछ भी common नहीं है, केवल 1 के अलावा 1 ही इसमें common है. तो ये numbers कैसे हैं आपके? Co-prime numbers हैं. तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये के सारे numbers कैसे numbers हैं? Co-prime numbers हैं. अगला क्वेश्चन है, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर. हियर वी हैव सम केसेज, 525 इज अ फैक्टर ऑफ 20, 618, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 12, 48, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 48 एंड 9, 45. 9 is a factor of 45. So what you observe in the result obtained? हमें सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है. So first question, 5 and 20, the LCM of 5 and 20 divided by 2, so we get 5 and 10. Again divided by 2, we get 5 and 5, and when we divide it by 5, we get 1 and 1. So LCM of 5 and 20 equals to 2 into 2 into 5, which is 20. So LCM of 5 and 20 equals to 20. Next part, we have 6 and 18. The parts 6 and 18, we divide it by 2, we get 3 and 9. 3 and 9. दोनों में से कोई नंबर आपसे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग उसको 3 से डिवाइड किए, तो आपको मिला 1 एंड 3. अगेन 3 से डिवाइड किया, 1 एंड 1. तो LCM ऑफ 6 एंड 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3, विच इज 18. अगेन द LCM ऑफ 6 एंड 18 इक्वल्स टू 18. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो जो LCM है वो बड़े नंबर के इक्वल आ रहा है. और भी रिजल्ट्स हैं, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग. 12 एंड 48, व्हेन वी डिवाइड इट बाय 2, वी गेट 624. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 312. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 36. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 33. एंड इन लास्ट डिवाइडेड बाय 3, वी गेट 1. So LCM of 12 and 42 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3. This is 48. Hence the LCM of 12 and 48 equals to 48. यहाँ भी सेम केस है, 12, 48 का आपका क्या है? एक फैक्टर है. तो इसका LCM भी आपको कितना मिल गया? 48 मिल गया. The last part, 9 and 45. 9 एंड 45, कोई भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से डिवाइड किया, अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 1 बचा आपका, तो 3 5 जा 15, या आपका 15 टाइम कैंसिल हुआ. 3 से फिर से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3 एंड 5, एंड फिर 5 से डिवाइड किया तो 1 एंड 1. तो LCM ऑफ 9 एंड 45 equals to 3 into 3 into 5 equals to 45. Hence the LCM of 9 and 45 equals to 45. Here you observe that 9 is the factor of 45, so the LCM is also 45. In all the above cases also we observe that the if a number is a factor of another number, then the LCM is equals to the larger number. So here is the all questions given above, we observe that the LCM of two numbers with one number being a factor of another number is the greater number.
मतलब आपके पास अगर दो नंबर हैं और उन दो नंबर्स में से एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो उन दोनों का जो एलसीएम होगा वो बड़े नंबर के इक्वल होगा। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 3.7 और चैप्टर नंबर 3.7 दोनों ही फिनिश होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक